मातृभाषा ये है हमारी, हमें बड़ा है गुमान, हिंद देश के वासी हैं हम, हिंदी है पहचान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हिंदी उन भाषाओं में शुमार है जो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश भी की थी। गांधी जी ने मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सम्मेलन में कहा था, जैसे अंग्रेज मादरी जबान यानी अंग्रेजी में ही बोलते हैं और सर्वथा उसे ही व्यवहार मिलाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। कलकल की बात अनंत काल तक ना बढ़ जाए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से प्रेम करने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी हिंदी को उसका उचित दर्जा ना मिल पाने के लिए चिंता जाहिर करते हुए ये शब्द कहे थे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला था, लिहाजा आज ही के दिन हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। हालांकि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद राजभाषा का चुनाव सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उस वक्त भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। इसके बाद मंथन किया गया और संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा घोषित किया। भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 करोड़ लोग हैं। ये तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 1.12 अरब बोलने वालों की संख्या के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है। गौरतलब है कि हिंदी के अलावा विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसे 10 जनवरी को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस तरह की तमाम और खबरों और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।